स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में। गायत्री महाविद्यालय सांचौर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास के आज के इस वीडियोज के माध्यम से हम पढ़ेंगे बीएससी और बीएससी बीएड प्रथम वर्ष के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। हम दोनों क्लासेस के एक साथ क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जनरल बीएससी जो 3 वर्षीय कोर्स है और बीएससी बीएड जो कि 4 वर्षीय कोर्स है के सिलेबस के अनुसार बॉटनी का द्वितीय पेपर माइकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी दोनों में सिमिलर है। दोनों ही क्लासेस के अंतर्गत एक ही प्रकार के टॉपिक सिलेबस के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, इसलिए हम दोनों क्लास को एक साथ में वे टॉपिक पहले पढ़ रहे हैं जो दोनों ही क्लासेस में सम्मिलित हैं। तो हम पिछली कुछ क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हैं फंजाई को, कवकों को पढ़ रहे हैं, और कवक को पढ़ने के संदर्भ हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा है ईस्ट, राइजोपस, एल्बुगो और अस्टिलेगो को, जो कि पादपों में फसली पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। इसका आर्थिक महत्व क्या होता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको कि गेहूं के अंदर जो रोग फैलाता है, स्मट डिजीज फैलाता है, वो है क्या, कवक है। उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, तो लाइफ साइकिल को पढ़ने से हमें उस रोग को कंट्रोल करने में आसानी रहती है। इसके साथ ही कई कवक ऐसे भी हैं जो आर्थिक महत्व की दृष्टि से लाभदायक हैं, तो लाभदायक कवकों को यदि हम संवर्धन करें तो इसके द्वारा अधिक मात्रा में आर्थिक उपार्जन भी हो सकता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ये इनका आर्थिक महत्व होते हैं, पादप जगत के सदस्य हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ये कवक हमारे आसपास बरसात के मौसम के अंतर्गत जब वातावरण में नमी होती है, सीलन पाई जाती है, आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, उस स्थिति में उगते भी हैं। और आपने देखा भी होगा कि मशरूम सामान्य तौर पर खेतों के अंतर्गत निर्जन भूमि पर आसानी से उगी हुई मिलती है। तो ये व्हाइट कलर की संरचना होती है जो कुछ समय के बाद अपना जीवन चक्र पूरा करती है, उसी दौरान उसके ऊपरी फूले हुए भाग से पाउडर नुमा संरचना निकलती है। तो ये होती क्या है, इस प्रकार की जिज्ञासा हमारे मन में आना स्वाभाविक है। तो उन्हीं को जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए, समझने के लिए हम आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे एगेरिकस या मशरूम। प्रिय विद्यार्थियों, आपने सत्रक देखे होंगे, एक तो सत्रक होते हैं और एक खुम्बी होती है, ये दोनों ही प्रकार के पादप जगत के सदस्य हैं और कवक कहलाते हैं। तो आज हम सत्रक के बारे में बात करेंगे कि सत्रक की टैक्सोनॉमिक या सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होती है, ये प्राकृतिक आवास में दिखते कैसे हैं, इनकी कायिक संरचना कैसी होती है, इत्यादि के बारे में। तो प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक एगेरिकस या सत्रक। इस कवक की टैक्सोनॉमिक पोजीशन या सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करेंगे, तो जैसा कि आपने पहले कई कवकों की सिस्टमेटिक पोजीशन और टैक्सोनॉमिक पोजीशन हमने पढ़ी है, तो थोड़ा सा अंतर आना स्वाभाविक है, क्योंकि कई बुक्स में अलग अलग प्रकार के टैक्सोनॉमिक पोजीशन आती है, जिसमें किसी ने डिवीजन को सब डिवीजन माना है या सब डिवीजन को क्लास माना है, तो ये उन वैज्ञानिकों के मतानुसार होता है। सामान्य तौर पर कवकों में एलेक्सोपोलस और एलेक्सोपोलस व मिम्स के द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। एगेरिकस की सिस्टमेटिक पोजीशन में किंगडम इसका फंजाई है, इसको फंगी भी कहते हैं, कवक है। इस कवक का डिवीजन एमेस्टिगोमाइकोटिना है, डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना है। इस
कवक का क्लास हेलो बेसिडियोमा सीटीडी है, ऑर्डर अगेरिकल्स है, फैमिली अगेरिकस, जीनस अगेरिकस, और एक स्पीशीज के बारे में बात करें अगेरिकस कम्पेस्टिस। तो इस अगेरिकस की कई प्रजातियां प्रकृति के अंदर पाई गई हैं जिनको रिपोर्ट किया गया है। ये अगेरिकस कई ऐसे भी हैं जो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्यों होते हैं? अगेरिकस और म्यूकर जैसे जीव जिसमें मुख्य रूप से अगेरिकस आता है, अगेरिकस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण और अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व एक ही खाद्य पदार्थ में पाए जाने के कारण इसे कंप्लीट फूड के रूप में मान्यता प्राप्त है। कैल्शियम की सांद्रता और संग्रहण इस कवक में अधिक होता है, इसलिए इसकी बीजाणुओं का उपयोग कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। तो अगेरिकस का खाद्य पदार्थ के रूप में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए भारत के कई क्षेत्रों में अगेरिकस की खेती की जाती है, फार्मिंग की जाती है, और फिर उस अगेरिकस को बेच करके धन कमाया जाता है। तो किसान के लिए ये एक बहुत ही लाभदायक पादप हैं, खेती के रूप में प्रयुक्त होने वाला पादप हैं, क्योंकि ये कवक हैं। इसको उगाने के लिए बहुत कम मात्रा में ज़मीन की आवश्यकता होती है, बहुत कम लेयर की आवश्यकता होती है, और छोटी सी जगह पर बहुत अधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया जा सकता है। इसकी लाइफ साइकिल छोटी होने के कारण कम समय में ही अधिक मात्रा में इस पादप का संवर्धन किया जा सकता है। आइए इस सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद में हम प्रारंभ करते हैं इसकी कायिक सेशन। जब हम हैबिटेट की बात करें तो कवक हैं अगेरिकस, इसकी स्पीशीज को सामान्य तौर पर हम मिडो मशरूम जैसे नामों से जानी जाती है। मुख्य रूप से इसको हम मशरूम कहते हैं। ये मशरूम विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाई जाती है। सामान्य तौर पर ये 17 प्रकार का क्षेत्र है जहाँ पर घास फूस मृत कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है, उस स्थान पर ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस जीनस की कुछ प्रजातियाँ जैसे अगेरिकस कम्पेस्टिस और अगेरिकस बाइस्पोरस ऐसी प्रजातियाँ हैं जो मुख्य रूप से इडिबल मशरूम या खाद्य मशरूम के रूप में प्रयुक्त होती है। अगेरिकस कम्पेस्टिस की बात करें तो ये इस प्रकार की आपको सत्रिकाकार संरचना दिखाई देती है। प्रारंभ में ये जमीन के अंदर इस प्रकार की घुंडीनुमा संरचना के रूप में दिखाई देती है, फिर ये घुंडी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के बाद में फिर एक सत्रिकाकार संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जब हम इसको देखते हैं उस स्थिति में कैसा दिखाई देगी, सत्रिकाकार संरचना के रूप में दिखाई देती है। ये सामान्य प्रजाति कम्पेस्टिस कहलाती है। इसका नाम कैम्पेस्टिस से है जिसका मतलब होता है कि ये फ्लैट या प्लेन फील्ड पे पाई जाती है। सामान्यतः अगेरिकस कम्पेस्टिस एक खाद्य कवक के रूप में जानी जाती है जो सर्वमान्य सर्वत्र सभी जगहों पर आसानी से उग सकती है, आसानी से मिल सकती है। ये प्रजाति कहाँ पे मिलती है, किस जगह पे उगती है? तो ऐसे स्थान पर जहाँ मृत कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सबसे ज़्यादा हो, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो, जैसे ह्यूमस हैं या फिर घोड़े की लीद है, या जो लकड़ी पड़ी हुई है और
आर्द्रता के कारण धीरे धीरे सड़ रही है, उसके विभिन्न भाग सड़ रहे हैं, जहाँ पे पत्तियों की मात्रा जो मृत हो रही उस स्थान पर सबसे अधिक पाया जाता है। तात्पर्य सीधा सा इसका यही है कि ये कवक मुख्य रूप से उस स्थान पे उगता है जहाँ मृत कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सबसे अधिक होती है। बात करते हैं हम अब इस कवक की प्लांट बॉडी की, ये जिस सत्र को हम पढ़ रहे हैं वो दिखता कैसे है, एनाटॉमी के संदर्भ में इसको पढ़ते हैं। तो ये कवक मुख्य रूप से एक छोटे से स्टेम लाइक सेसना जिसको स्टाइप कहते हैं, और एक बड़े से भाग गोलाकार भाग जिसको हम सत्रक के नाम से कैप के नाम से जानते हैं, तो ये इस दो भागों में डिवाइड होता है। पहला भाग होता है जो इसका वेजिटेटिव माइसीलियम कहलाता है, और दूसरा भाग होता है जो इसकी बेसिडियोकार्प होता है। बेसिडियोकार्प का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, बेसिडियोकार्प का तात्पर्य हुआ कि इस कवक में जनन संरचना के समय उत्पन्न होने वाले बेसिडियो बीजाणु किस में विकसित होगा वो बेसिडियोकार्प कहलाता है। तो ये जो ऊपरी सत्रकाकार संरचना है जो बेसिडियोकार्प कहलाता है वो हाइपी से निर्मित होता है, कवक तंतुओं के संगठित होने से निर्मित होता है, जो कि इसकी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो इस कवक को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक सत्रिका का संरचना सत्रक और आधारीय भाग स्टाइप, स्टाइप कहेंगे या उसको हम वृंत कहेंगे। इस वृंत पर क्योंकि ये प्रारंभ में जब सत्रक इस प्रकार की संरचना के रूप में था जिसको बटन अवस्था कहते थे, जिस जगह पर गोल गुंडीनुमा संरचना जुड़ी हुई थी वहाँ से टूट करके फैला, छतरी के समान फैला, तो जहाँ पर आधारी से जुड़ा होता था उस स्थान पर एक अवशेषी संरचना वले का इस अवशेष संरचना पाई जाती है। इस संरचना को विलम के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानेंगे, विलम के नाम से। तो आपको ये तीन संरचना स्पष्ट रूप से इस कवक में देखने को मिलेगी। यदि आपको प्राकृतिक आवास में ये कवक देखने को मिले तो इसमें एक लंबे व्रंत समान व्रंतीय संरचना, उसके ऊपरी भाग पर एक झिरी नुमा संरचना वले नुमा संरचना विलम, और इसके ऊपरी भाग पर एक कैप या सत्रक पाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हमने मशरूम की सामान्य संरचना और इसकी प्लांट बॉडी के बारे में डिस्कस किया। अगले क्लास में हम इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसका माइसीलियम कितने प्रकार का होता है और उस माइसीलियम किस प्रकार से जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। थैंक यू, नमस्कार।